हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमें जितेंद्र भाई लोढ़ी ने कमेंट किया था और दो तीन भाई और भी थे, उसका नाम मेरे को पता नहीं है। तो उन लोगों ने हमें कमेंट किया कि अपनी शॉप हमें दिखाइए और आप कौन सा टूल्स यूज़ करते हो उस भी उसका रेट के हिसाब से आप लोग हमें दिखाइए। और ऐसी हमको कॉमेंट आई थी, तो मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था हमारी शॉप के बारे में भी। तो आज हमको और भी कॉमेंट आ रही थी, तो हमने सोचा एक वीडियो और भी बना देना चाहिए और आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कौन सा सोल्डरिंग आयरन यूज़ करते हैं, कौन सा डीसी मशीन यूज़ करते हैं, कौन सा मल्टीमीटर यूज़ करते हैं और कौन सा सेपरेटर यूज़ करते हैं, वो सब हम आज डिटेल में ही समझाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने हमारी शॉप को देख लिया, तो अभी मैं आपका रेट दिखाता हूँ। तो फाल्कन की रेट है दोस्तों 150 रुपये के करीब आपको मिल जाएगी और पीसीबी क्लीनर आपको 80 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो अभी ये बाबा टूल्स का है ग्लू रिमूवर और एक हमारे पास ये लोका ग्लू है, तो इसकी समथिंग रेट होगी 150 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है रेट। और ये रिलाइफ की है दोस्तों, सोल्डरिंग पेस्ट है, ये आपको 200 या 250 रुपये के आसपास मिल जाएगी। थोड़ा बहुत रेट में डिफरेंस हो सकता है। और ये एक एटी की पीपीडी है, ये भी आपको 200 या 250 रुपये में आसान से मिल जाएगी। और ये मैकेनिक की पीपीडी है, उसका भी रेट सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। और ये भी मैकेनिक की है, जब हमने शॉप स्टार्ट किया था तब से ही मैं इसको यूज़ करता हूँ। इस ऐसी मैंने दो तीन यूज़ कर ली है। और अभी मैं आपको स्टेंसिल दिखाता हूँ, ये MMC स्टेंसिल है, तो ये मेरे को 250 रुपये में आई थी। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मुझे लगती है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो अभी बात करते हो दोस्तों, मैं जब हमारा बोर्ड क्लीन करता हूँ तो ये वाला कॉटन यूज़ करता हूँ, तो आपको 150 रुपये में काफ़ी कॉटन मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं सेपरेटर की, तो सेपरेटर में एम ट्रेंगल का यूज़ करता हूँ। ये मैंने 6 महीने पहले लिया था, तब 2500 रुपये के आसपास मिला था, काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं 0.3 mm की वायर यूज़ करता हूँ, तो हमारी डिस्प्ले इसमें ज़्यादातर टूटती नहीं है, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इसकी वजह से मैं 0.3 mm यूज़ करता हूँ। और PCB स्टैंड है, वो मेरे को 150 रुपये के आसपास आई थी। और ये कोराड की पावर सप्लाई है, ये मेरे को 4500 रुपये के आसपास आई थी। और इसका बूट केबल 450 या 500 के आसपास आया था। तो इसमें जो भी मैं आपको रेट दिखाता हूँ उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे PC को यहाँ पे सेट कर दिया है, अभी पहले इधर नहीं था, पहले आगे में था। तो आपको कोई भी चाहिए फ़ोटो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। कोई किसी का भी आपको डायग्राम चाहिए हमें बोल देना। तो अभी बात करते हैं LED लाइट की, तो मैं ये वाली LED यूज़ करता हूँ, ये हमें 650 रुपये में आई थी। और ये फ्लक्स पेस्ट है दोस्तों, ये मैं ये सब दोनों यूज़ करता हूँ। ये कोचू का भी है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये आपको 100 रुपये के करीब मिल जाएगा। और सोल्डरिंग आयरन की बात करते हैं, तो सोल्डरिंग आयरन में 250 या 300 रुपये वाला ही सोल्डरिंग आयरन यूज़ करता हूँ। मेरे पास महंगा वाला सोल्डरिंग आयरन नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब कि 300 साढ़े 300 वाला ही है, इससे महंगा नहीं है। तो ये सब टूल्स है, सब आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अभी बात करते हैं SMD मशीन की, तो मेरे पास ये डॉल्फिन की SMD मशीन है और आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका रेट है 2000 से 2200 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। और अभी ये सोल्डरिंग आयरन दोस्तों, MMC हम निकालते हैं तो उसका बोर्ड क्लीन करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो ये हमें 300 साढ़े 300 रुपये के आसपास मिल जाता है। और ये सोल्डरिंग आयरन दोस्तों 120 या 130 में मिल जाता है, बारीक जम्पर लगाना है तो इससे भी मैं लगा देता हूँ। तो अभी बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी ये सब टूल्स के बारे में तो आपको पता ही है। और ये तो 120 रुपये का आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, रिलैप का BGA फ्लक्स पेस्ट है, हम चार्जिंग जैक वगैरह रिमूव करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं, इसका कीमत 120 रुपये के आसपास है। और ये KD का हेवी फ्लक्स है हमारे पास, और आप यहाँ पे देख लीजिए, इसकी कीमत है 30 या 40 रुपये में आपको मिल जाएगा। रोजिन पेस्ट भी है।
बाकी ये जो स्क्रू ड्राइवर हो गया है, जब हमारा ट्वीज़र हो गया, उसका रेट तो आपको पता ही होगा, 30-40 रुपये में, या फिर महंगा वाला लोगो तो 100-150 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं स्टेंसिल की। तो मैं जब CPU रिबॉल करता हूँ तो यूनिवर्सल स्टेंसिल में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी हमारी बोल्ट आपस में जुड़ जाती है। तो आप PM लगाओ या WTR लगाओ तो यूनिवर्सल स्टेंसिल काफ़ी अच्छी है। CPU यूनिवर्सल से करोगे तो आपको थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी बात करते हैं हमारा चार्जिंग चेक करने के लिए मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, एम्पियर वाला। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको 300-350 में मिल जाएगा। और हमारा डिस्प्ले फोल्डर चिपकाने के लिए ये वाली पेस्ट मैं यूज़ करता हूँ, ये आपको 100 रुपये का करीब मिल जाएगी मैकेनिक की। तो आप लोगों ने देख लिया होगा हमारा सेटअप, हम कौन कौन सी टूल्स यूज़ करते हैं। और आपको डायग्राम चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम टेलीग्राम ग्रुप पे उसका डायग्राम का फोटो डाल देंगे। तो आप हमारा सेटअप सही से देख लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके लिए डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।